जो पब्लिक हेल्थ के लिए भी, जहां पर हमने स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्थापना करेंगे, एम्बुलेंस का और टीकाकरण का भी हम यहां पर हमारे प्रावधान है। आपको रात के भी कहीं पर आपको एम्बुलेंस जरूरत पड़ेगी तो आपको कोई परेशानी की जरूरत करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप कभी भी रात को भी हमारे पूजा में आकर एम्बुलेंस ले सकते हैं और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो भगवान न कर ले तो आप उसमें अपना चिकित्सा के लिए जहाँ पर नीचे में जा सकते हैं। तो मगर आपके लिए पहले में प्राथमिकता चिकित्सा आपको वहीं मिलेगी, प्रोजेक्ट में ही मिलेगी, मगर अगर उसके लिए और भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे के लिए भी आपको एम्बुलेंस दी जाएगी। उसके लिए हमने 285.5 लाख रुपये का बजट रखा है। अब जो भी वहां पर जैसे कि कहीं पर जहां पर कोई सड़क खराब होगी या कुछ हो गया उसके लिए भी हमने यहां पर एक 201 लाख रुपए को ठीक करने के लिए 2,01,00,000 रुपए का प्रावधान बजट रखा है। जल वायु गुणवत्ता और जमीनी पर भी हमने उसका आकलन किया और उसके लिए भी हम जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंड है उनका पालन करेंगे, उसके लिए हमने 16 लाख रुपए का बजट रखा है। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों जो ये कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट है इसके लिए जहाँ पर भी यहाँ पर है उसमें पूरा हम अपने पौधे लगाएंगे, उसमें हम प्लांट्स लगाएंगे, उसके लिए हमने 773 लाख रुपए का बजट रख लिया है। खादान रेस्टोरेशन क्वारी जो बोरो एरिया है उसके लिए हम 11.01 दशमलव वो भूमि ले रहे हैं, जिसके लिए हम गड्ढे अगर होंगे कुछ भी होगा उसको हम भरेंगे और उसको ऊपर से रिटेनिंग वॉल भी डालेंगे और उसके बाद में हम फूल और पौधे लगाएंगे, उसके लिए हमने 41 लाख रुपये का वो बजट रखा है। बायोडाइवर्सिटी के लिए हम एक BMC का गठन कर लेंगे, कमेटी का गठन कर लेंगे और इसके लिए भी पैसे दे देंगे, जिसका हमने 199.4 लाख रुपये का हमने बजट रखा है। ग्रामवासियों आपको ये अनुभव, आप इसमें यहाँ पर रहते ही है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर इसमें गोरी गंगा में कोई भी मछलियों की प्रजाति अभी नहीं मिलती है, मगर जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस पर काफ़ी संशोधन और काफ़ी इसमें मेहनत और मशक्कत कर ली और उन्होंने बोला कि भाई कि जो मछलियाँ यहाँ पर इस एरिया के गोरी गंगा के अनुकूल है वहाँ पर वो मछलियाँ उसमें लगाएंगे और फिर उन मछलियों को पूरा पालन कर लेंगे और उसमें आपको उधर में निःशुल्क जो भी प्रभावित होंगे और प्रभावित ग्राम होंगे उनको निःशुल्क वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए भी वहाँ पर दिया जा सकता है, परमिशन दिया जा सकता है और उसके लिए भी हमने बजट रख लिया है 15 लाख रुपये आगे। इसके अलावा ये वाला जो है मानसून में जून से सितंबर में जो पानी हम बराज के आगे डालेंगे वो 5 क्यूमेक्स है और जो नॉन मानसून में अक्टूबर से मई तक डालेंगे तो 2.97 क्यूमेक्स है। इसके अलावा जैसे क्योंकि आप यहाँ पर रहने वाले हैं आपको मालूम है कि ग्रामवासियों की यह द्रोणागिरी इसके साथ में का पानी इसमें मिलेगा, जुमा गदेरा का भी पानी इसमें मिलेगा तो इन दोनों के गदेरों के पानी मिलकर ये यहाँ पर 5.33 मानसून में क्यूमेक्स रहेगा और नॉन मानसून में 4.59 क्यूमेक्स पानी रहेगा, तो काफ़ी मिकदार में काफ़ी मात्रा में पानी इसमें रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक जो ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है इसके लिए पूरा एक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होगा और उसमें CSR और जो हमारे महाप्रबंधक है सामाजिक है परिवार के वो उसके अध्यक्ष होंगे, उनके अध्यक्षता में ये देखा जाएगा भाई सब कुछ तंत्र ये सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर एक PLCC भी बन जाएगी, प्रोजेक्ट लेवल भी उसमें समिति बनेगी और एक थर्ड पार्टी कमेटी भी बनेगी जिसमें कि काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी वैज्ञानिक होंगे, काफ़ी वरिष्ठ नागरिक होंगे और उसका दिखाया देखो और यही देखेंगे भाई कि ये सब कुछ जो एनवायरनमेंट का है इसमें कोई असर तो नहीं पड़ा और उसको PLCC और बाकी ये ठीक तरह से हो रहा है, इसके लिए हमने 300 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, बजट रखा है। इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है कभी भी यहाँ पर क्राउड बर्स्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है उसके लिए भी उसको
ठीक रखने के लिए ताकि आपको ज्यादा परेशानी, उसको तो हम तो भगवान का है ऊपर में आता है रहता है, मगर उसके लिए भी उसको हम कैसे तुरंत उसका ठीक कर लें, उसके लिए मैंने 352 लाख रुपए का बजट रखा। ये ग्रामवासियों, ये वाला जो हमारे मैं 14 आपको कह रहा था, 13-14 जो इसका हमने आकलन किया है, ये पूरा पूरा एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो हमारा है, इसका हमारा 5,43,50 करोड़ का हमने टोटल इसमें प्रावधान रखा है, जिसमें कि रिहैबिलिटेशन पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के लिए हमने 17.43 करोड़ का हमने बजट रख लिया है। फिर ग्रामवासियों को अब आपको इसकी भी काफी उत्सुकता होगी कि भाई कि हमारी जो भूमि है कितनी जा रही है और उससे कौन कौन प्रभावित है, कितने हैं, हम सब चीज आपके सामने एक खुली किताब की तरह रखना चाहते हैं ताकि आप पूरा आपको कोई संदेह न रहे। तो इसमें हम यहाँ पर उसके लिए बाद में पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना क्या है, उसके लिए हमने आपको ये भी बोलना चाहते हैं। इसमें जो हमारी भूमि जा रही है, भूमि हम ले रहे हैं वो सारी हम फॉरेस्ट लैंड ले रहे हैं और उसमें 92.44 हेक्टेयर हम फॉरेस्ट लैंड ले रहे हैं इस परियोजना के लिए, जिसके और इसके अलावा जो नाम भूमि है हम 3.83 हेक्टेयर ले रहे हैं, जिसमें कि 3 हेक्टेयर हम टेम्परेरी लीज पर ले रहे हैं जो हम वापस दे देंगे 5-6 साल के बाद में, पूरा उसमें अच्छा करके देंगे, और 0.83 हेक्टेयर नाम भूमि हम ले लेंगे। टोटल हमारी जो भूमि है 96.97.27 हेक्टेयर होगी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए है कि भाई कि आप आखिरकार जो ये 96.27 हेक्टेयर है इसमें क्या क्या चीज है, क्या आपको इसका भी हमने बहुत अध्ययन किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो वन भूमि है वो 11.1 हेक्टेयर है, 11.11 हेक्टेयर चारा का क्षेत्र है, कृषि भूमि 3.83 हेक्टेयर है, 7.26 हेक्टेयर जो है बाग बगीचे हैं, और बंजर भूमि क्षेत्र जो है 62.66 हेक्टेयर है। तो काफी मात्रा में बंजर भूमि है जो कि 64% यहाँ पर हमने फीसदी भी लिखा है, कितना परसेंटेज है, 96.27 हेक्टेयर का कितना बंजर भूमि है। तो ये बंजर भूमि जो आपके पास यहाँ पर पड़ी है वो 65% है जिसमें कि आपका परियोजना बन रहा है, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा वो मुश्किल नहीं है, हम इसको कोई फर्टाइल लैंड या नहीं ले रहे हैं। अब ये हम आपको बोलना चाहेंगे ग्रामवासियों, ये हमारी जो है ग्रामों से हमारी कितनी कितनी भूमि हम ले रहे हैं, मतलब यानी नाप भूमि नहीं और फॉरेस्ट में, तो उसमें जलन में हम 65.79% फॉरेस्ट लैंड दे रहे हैं और मात्र 0.13 जो कि करीबन 6-7 नाली है उसको हम ले रहे हैं, आप ये नाप लैंड ले रहे हैं वो 65.92 है, इसमें जलन से भूमि जो है कुल भूमि है। इसके अलावा हम जुमा से 7.52 हेक्टेयर ले रहे हैं वन भूमि और नाप जमीन हम 3.34 हेक्टेयर ले रहे हैं, जिसमें कि 3 टेम्परी है और 0.34 जो है 15-16 नाली जो हम जमीन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं नाप जमीन ले रहे हैं, जो दोनों मिलाकर 10.86 हेक्टेयर हो रहा है, और लोंग सेंगरी तमक से हम 19.13 वन भूमि ले रहे हैं और 0.36 हेक्टेयर हम नाप जमीन ले रहे हैं, इसमें भी 15-16 नाली हम ले रहे हैं, और जो कि टोटल 19.49 हेक्टेयर हो रही है, और इसका जो टोटल है फिर उतना ही जो पहले स्लाइड में दिखाया था 96.27 हेक्टेयर हो रहा है। ग्रामवासियों आप ये देख सकते हैं कि भाई हमारा हम कितने प्रभावित हो रहे हैं, मतलब लोग हो रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे भाई कि नाप जमीन में क्या क्या हो रहा है। तो जो ये हमारे तमक में 17 घर जो जिनकी छत मान लीजिए छत जा रही है, छत प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर में जो है एक फैमिली हमें मान रहे, चाहे अगर एक छत हो मगर उसके बच्चे 18 साल से जो ऊपर है वो सारा अलग अलग फैमिली माना जाएगा, उनको अलग अलग पैसा दिया जाएगा, इसलिए ये 17 की जगह ये 31 फैमिली हो रही है और इनसे जमीन हम ले रहे हैं 1.8 हेक्टेयर जो रह रहे हैं, मगर ये फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पर अभी आप देखते हैं कि तमक के पास में जो ऊपर में है ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, वो सिर्फ स्विम लैंड में है। इसके अलावा जो हम तमक से
सोना जो उनकी घरों की नाप जमीन ले रहे हैं, जिनका वो फैमिलीज बन रही है, 29 फैमिली बन रही है और 0.36 हेक्टर है जो कि करीब 16-17 नाली है, इसको सामान साधु सामान जो परियोजना से है उसके लिए रखने के लिए ले रहे हैं। और पहले वाले को हम एक रोड बनाने के लिए सबशक्ति रोड बनाने के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जुम्मा है, जुम्मा की 6 छतें हम ले रहे हैं, उसका 6 के नीचे में जो हाउस होल्ड है उनकी 18 फैमिली बन रही है, वही वाला हम लगा रहे हैं कि जो हमारी NPR 2007-2007 की नीति है, जो भारत सरकार की है, 18 के ऊपर कितने फैमिलीज बनेंगे तो वो हम यहाँ पर उनकी 18 फैमिली बन रही है, उसका मात्र हम 0.13 हेक्टर ले रहे हैं। और ज़्यादातर ये जो ज़मीन है ये हम उपजाऊ ज़मीन नहीं ले रहे हैं, हम जो इसमें नदी और जो हमारा सड़क है उसके बीच में जो ज़मीन आ रही है उसी को ले रहे हैं। और प्रिय ग्रामवासियों, जो ये जन्म में से हम कुछ ज़मीन ले रहे हैं वो 6-7 नाली ले रहे हैं जिसमें कि 8 छत हैं, 8 का 16 परिवार बन रहा है, और इसको भी हम डंपिंग जोन के लिए ले रहे हैं कि मालूम डालने के लिए, और जो कि नीचे की तरफ है। और इसमें जो टोटल फॉरेस्ट लैंड बना है 1.81 हेक्टर बन रहा है, और नॉर्थ लैंड जो बन रहा है 0.83 हेक्टर बन रहा है। इस जो भूमि से प्रभावित हो जाएंगे इनके लिए हम कैसे पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति क्या बोल रही है, तो उसको हमने आधार कर लिया है जो हमारे भारत सरकार की 2007 की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति है, उसी पर ये बेस है, और उसी के हिसाब से हमने उसको और अच्छा बनाने की कोशिश की है। इसमें 2 विकल्प हैं, एक विकल्प तो है कि जो राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति जो पर आधारित है 2007 पर, जो कि भारत सरकार की है, और इसमें जो विकल्प 2 है इसमें वो आपसी सहमति पर निर्धारित है, जिसमें कि जो PSBC से है उसको वो अच्छा बनाने के लिए इसको रखा है दूसरा विकल्प। और इसमें 2 ये ऐसे कि जो है जमीन के बदले जमीन, और दूसरा चीज है कि गांव में जो मिलिंग बायर मिलिंग सेलर के हिसाब से ये आ रहा है। और उसमें जो पुनर्वास एवं नीति का विकल्प 1 में जो है उसमें हम काफी ग्रांट दे देंगे, जैसे 500 मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस से 1000 मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस तक ये दे देंगे, ग्रांट दे देंगे। जीवन निर्वाह गोदान को भी 300 दिन MAW मिनिमम एग्रीकल्चर वेजेस दे देंगे, शिफ्टिंग अलाउंस हम 20,000 देंगे, पुनर्स्थापन अनुमोदन हम दे देंगे 40,000, हम समय और पुनर्स्थापन के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये देंगे, और भूमि अगले 50% ऊपर होगी तो उनको 30,000 देंगे। इसके अलावा जो पुनर्वास जो विकल्प 2 है जो कि PSDC का है, जिसमें कि आपसी सहमति से सब कुछ होगा, उसमें भी हम काफ़ी चीज़ देंगे, और उसमें जो प्रथम राशि जो गवर्नमेंट का रेट है, गवर्नमेंट का रेट जो SLO है वो दे देगा, और जो आपसी सहमति में रेट तय होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो PSDC भुगतान उसका कर लेगा। और जो ये वाला इसमें भी काफ़ी जो ऊपर में है ऐसे ही हमने इसमें ग्रांट्स है 50,000 से 1,00,000 रुपये तक, और 50% से अगर किसी की अधिक भूमि गई है तो उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा। और प्रभावित परिवारों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं जिसका भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है, उसमें टाउनशिप में जो भी हमारे बहुत सारे दुकान बनेंगे उसकी उपलब्धता के आधार पर उनका आवंटन प्रभावित ग्रामवासियों को ही किया जाएगा, ताकि वो तो बाहर से तो नहीं आएंगे उसको चलाने के लिए, तो उधर नहीं उनका आवंटन होगा ताकि उनके लिए भी एक रोजगार का अवसर मुहैया हो जाए। इसके अतिरिक्त जो है छोटे छोटे ठेके जो है वो भी ग्रामवासियों को दिया जाएगा, और गांव के विकास हेतु ग्राम समिति के द्वारा 2-2 लाख रुपये के सामाजिक कार्य लगातार हम करवाएंगे उनको इन्वेस्ट कर लेंगे जो अभी भी हो रहे हैं। और वन पंचायत ऑब्लिक वो चारागाह भूमि के जाने के लिए हम प्रत्येक गृह स्वामी को 100 दिन का न्यूनतम कृषि मजदूरी का भुगतान 5 वर्ष के लिए कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है और जिसकी बहुत प्रशंसा सब यहाँ पर जितने भी क्षेत्र में बाकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है तो उन्होंने भी इसकी प्रशंसा काफ़ी की है, क्योंकि PSDC ने अपने विष्णुगढ़ पीपल को भी परियोजना में जो कि एक वर्ल्ड बैंक की नीति के हिसाब से हो रहा है उसके लिए उसको लाया है, तो उसी को हम
यहाँ पर जो भी हम पक्षपात नहीं कर सकते, सबके लिए हम अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी काफी प्रशंसा सरकार और सदन सरकार।